कैसे हो भैया? और बढ़िया सर। संचय दुख रहा है? भैया तो सो रहे हैं सर। चल थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ये यार सुप्रभात कुंभकर्ण की औलाद उठ जा। कौन यार इतनी सुबह सुबह कौन उठता है? ह्यूमंस खेल रहा था। ए बड़ी भाई माना कि कोविड में हाथ नहीं मिलाना पर कभी तो अपना हाथ खाली रख लिया कर। डार्क चॉकलेट ब्रो 75% कोकोआ। कभी कभी तो ना हर बाइट के बाद गुड़ भी खाना पड़ जाता। मेरा फोन कहाँ है? कृष्णा जब डायबिटीज और डेंटिस्ट का खर्चा पड़ेगा ना जीनियस तब 75% की कमाई उसमें लगा लियो। मेरा शुगर ना परफेक्ट है और चाचा मेरे डेंटिस्ट है पर जब मैं तेरे भूषण मार के तेरे दांतों के तुझे उनके पास भेजूंगा ना I will make sure he charges you double. Krishna! जी भैया ब्रेकफास्ट लगा दे यार। ब्रेकफास्ट वन इन द आफ्टरनून। हे भगवान आजादी को ना 20th century हो चुकी है तो मेरा जो मन करेगा जब मन करेगा मैं तब खाऊंगा। तुम लोग को लंच करना है? कृष्णा इनका रुका रुका लंच लगा दे। ऐसे कैसे भैया आप दो में दीजिए मैं लगाता हूँ। ब्रो अरे और ले लेना उसमें से। मजा आ गया। यक मास्क उतारना ही गलत था। ये वेज खाना है शाकाहारी डकार में स्मेल नहीं होती प्योर हर्बल रिजुविनेट योर सेंसेस। इनहेल क्यों ना Dude, giving a girl's perspective. तू छींक ले, तू खांस ले, लेकिन ये digestion का super base और बास का प्रदर्शन मत कर, please. Speaking of girls, मुद्दे की बात ये है कि finally मेरी मतलब की बात। नहीं नहीं नहीं, इस बार मेरे मतलब की बात। अच्छा। तुम लोग को याद है lockdown में मेरे लिए एक रिश्ता आया था? Yeah, that girl, Ananya from Hyderabad, right? Right. हाँ. मेरी उससे शादी फिक्स हो गई है। इट्स शेड्यूल्ड फॉर द कांग्रेचुलेशंस ब्रो। लेकिन अपनी शादी को शेड्यूल्ड कौन बोलता है? जिसके वेन्यू ज़ूम्स और टीम पर होते हैं। भाभी जी ने इनवाइट डिक्लाइन कर दिया तो लग जाएगी। आई एम जोकिंग ब्रो। अच्छा बता सेलिब्रेशन कब शेड्यूल करें फिर? यार सेलिब्रेशन का ना मूड नहीं है। टेंशन से ना पदहजमी हो गई है। क्यों? अनन्या यार हर ओनली कंडीशन टू गेट मैरिड इज टू हैव हर ओन फ्लैट हर इंडिपेंडेंट फ्लैट। मेरी तशरीफ में मोती जड़े हुए हैं। ऊपर से यू गाइस नो मॉम उनका अलग रोना चालू है। शी इज नॉट लेटिंग डैड पे फॉर द हाउस यार। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगा। सेज द मैन हु इज हैविंग ब्रेकफास्ट इन हिज फार्म हाउस एट 1:30 PM ऑन अ वर्किंग डे। इस तशरीफ को खोदो तो हीरा भी मिल जाएगा। बात तो सही है। ये सब ना मेरा नहीं है इट्स ऑल डैड्स। हाँ 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 ब्रो सही फंसा है तू तो। व्हाट यार मैंने तो ये भी बोल दिया कि 40 के बाद मैं अपना बॉल बेयरिंग का बिजनेस बेच के पहाड़ों में घर लेके सेटल हो जाऊंगा। वेल इन दैट केस यू नीड टू कम बेयरिंग बॉल्स ब्रो। वैसे हाउ ओल्ड यू अगेन? भाई यार मजाक मत करना। अब संचय जो भी है दैट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट टास्क। अब तेरी इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है? यार पापा के कुछ दोस्त टिप्स दे देते हैं मैं वहां पैसे लगा देता हूँ। गल्ले कमाई की बल्ले बल्ले है। वाह संचित वाह लिटरली द बिग सांड ऑफ दलाल स्ट्रीट। संचित मैं ना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात कर रही हूं नॉट सम गल्ले की बल्ले बल्ले। माइंड यू ऑन है ना गल्ला इज सीक्रेट। हर महीने कोई SIP कर देता हूँ थोड़ी बहुत EMI SIP में भर देता हूँ। ओके और EMI के अमाउंट की कैलकुलेशन? जो भी मुझे ठीक लगे जो भी मुझे कंफर्टेबल हो। यार कंफर्टेबल ना कच्चे बनियान तक ठीक है SIP में नहीं। देख संचित तू अभी तक सिंगल है लेकिन बहुत जल्द ही मिसेज झुनझुनवाला तेरी फैमिली में आएगी। नया घर लेगा नई गाड़ी फिर आएगा एक बच्चा।
तीन बच्चे. ओके उनके एजुकेशन के खर्चे, फिर उनकी शादी का खर्चा, और बुढ़ापे में तेरा मेडिकल कॉस्ट, एंड स्पेशली विद दिस चॉकलेट गुड फेटिश. ऑल दीज विल गो इन फैक्टरिंग योर फाइनेंशियल गोल ऑफ रिटायरिंग अर्ली. समझे झुनझुनवाला के वंशज. देख मैनी पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स कि उनके पास कितना पैसा है और कितना पैसा आएगा उस हिसाब से. थोड़ा धीरे धीरे समझाना, बच्चे को समझा रही हो जैसे. अच्छा ठीक है. ओके लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और कितना आएगा उस हिसाब से. Isn't that a good thing? हाँ, लेकिन तुझे ये भी तो देखना है ना कि where do you want to see yourself 15 years down the line? And the smart way to save is goal-based systematic investment plan. Goal-based systematic investment plan. So say you want to have 1 crore in your bank account when you retire after 15 years, okay? At an average rate of 15% CAGR, there are calculators which will tell you how much money you need to invest in SIP every month in order to reach that goal. So in your case, it will be, 14,959 a month. इसका मतलब आलू के पराठों में जितनी स्टफिंग चाहिए आलू उतने ही उबालिए. कृष्णा कृष्णा पराठे ले आ. मतलब गोल बेस्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही एक तरीका है मिसेस झुनझुनवाला के प्लान को फुल प्रूफ बनाने का. एग्जैक्टली जी. ही नहीं लाए, चल रख दे और ले आ. ओहो ये चमची उठा दे. वैसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग shouldn't be too difficult for you, no? Joke था. बहुत हंसी आ रही है अंदर से यार. Promise यार, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है. शायन, देख संचित, तेरी married life ना भी शुरू होने वाली है. So एक सही से target पकड़ के चल. And Mrs. Jhunjhunwala will be very, very happy with you. I know it's going to be difficult. But I think I'm ready for this. और तेरे बच्चे भी ना खुशी खुशी झुनझुना बजाते रहेंगे. Bad jokes are infectious. काम कर.